छात्र राजनीति का एक बड़ा ही मशहूर नारा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाने की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बाड़मेर की बात बताते हैं, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एक 25 साल के नौजवान ने बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों के पसीने छुड़ा दिए। हाल ही में शिव सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए और लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को शिकस्त देने के लिए क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतरना पड़ेगा? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। राजस्थान का राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की है तो वो है बाड़मेर, जो किसी केंद्रीय मंत्री या बड़ी पार्टी के नेता की वजह से नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। हजारों की भीड़ के साथ बाड़मेर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे ये हैं रविंद्र सिंह भाटी, 25 साल के एक युवा नेता जो पिछले साल ही शिव विधानसभा के विधायक चुने गए थे और इस साल लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में दाव आसमाने उतर आए हैं। कई सारे राजनीतिक जीवन में उठा पटक होया करे, पर नए से मीना जल्दी तो समस्या तो कोई कमी को नहीं है, पर ये तरह लोगों ना भरोसा है कि मोटियार आ गया है, युवा आ गया है और तुम्हारे समस्या वास्ते काम करे, तुम्हारे लेवा काम करे। अब तक बाड़मेर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही भिड़ंत थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री से बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। रविंद्र भाटी के नामांकन के दौरान उमड़े जनसैलाब ने रेगिस्तान में सियासी भूचाल ला दिया है। जन समर्थन की ऐसी जबरदस्त तस्वीर देखने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई है और अब दोनों ही पार्टियां रविंद्र नाम के तूफान को रोकने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। खासकर बीजेपी के लिए रविंद्र भाटी को रोकना नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी केंद्रीय कृषि मंत्री और बाड़मेर से मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी के दोबारा संसद पहुंचने की राह में बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। लिहाजा राजस्थान बीजेपी की पूरी टीम रविंद्र सिंह को रोकने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। खबर तो ये भी है कि पीएम मोदी खुद 12 अप्रैल को बाड़मेर आ सकते हैं और बाड़मेर में बड़ी जनसभा भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सूबे के सीएम भजन लाल शर्मा ने उठाई है, जो आज से ही जैसलमेर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रविंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। ये शिकायत एक वायरल पोस्टर को लेकर है। इस पोस्टर में पीएम मोदी के साथ रविंद्र भाटी की तस्वीर है, जिस पर बीजेपी ने भाटी पर भ्रामक प्रचार करने का इल्जाम लगाया है, साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी रविंद्र भाटी के प्रभाव से परेशान है और भाटी को रोकने के लिए सीक्रेट प्लान बना रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी बाड़मेर में अपने स्टार प्रचारकों को उतार सकती है, ताकि रविंद्र सिंह के बढ़ते पॉपुलैरिटी ग्राफ को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।